हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम हमारे आने वाले हैं और एक्सपेक्टेड डेट 15 नवंबर है। बच्चे डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी कब तक आएगी, क्योंकि ICSE बोर्ड ने बहुत पहले ही डेट शीट रिलीज कर दी थी। उनका प्रॉपर पेपर भी पता है, CBSE ने डिसाइड नहीं किया था। तो उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आप क्लास 10th में और आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं, आप अच्छी कोचिंग में नहीं है, आपको लगता है एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो मैंने आपके लिए सब कुछ दे रखा है। ऑल फॉर्मूला, CBSE क्वेश्चन बैंक, CBSE सैंपल पेपर, आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे सैंपल पेपर, रिवीजन ट्रैकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप खुद ही समझ सकते हो। हर वो चीज़ है जो आपको टॉप करवा सकती है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना है, आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर, तो मैं आपको ये दे दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए बात करते हैं कि डेट शीट का क्या मतलब है इस टाइम, मतलब क्या सोचना हमें चाहिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा है, विद अराउंड 40 डेज फॉर द एग्जाम्स टू बिगिन, स्कूल एंड कैंडिडेट्स आर ईयरली वेटिंग फॉर द शेड्यूल एंड गाइडलाइंस ऑफ द एग्जाम। मतलब डेट शीट का इंतजार है, दूसरा पेपर किस मोड में होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है। ये सी तो टू दैट भारद्वाज सेड, ठीक है, CBSE विल इशू द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द फाइनलाइज द कंप्लीट स्कीम ऑफ द एग्जाम, वी विल अप्राइज द स्टेक होल्डर विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम। मतलब और फिर बाद में लिखा है, स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट द अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जाम डेट्स एंड गाइडलाइन इन अनदर 4 to 5 days वंस द बोर्ड गेट्स द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि आपने एक फॉर्म फिल किया होगा अभी कुछ दिन पहले, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जिसमें स्कूल ने आपका नाम लिखा होगा कि हाँ ये बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए इनरोल हुए हैं। ये लिस्ट की जो लास्ट डेट है वो 9th अक्टूबर है, यानी कि आज है, यानी आज तक वो फिल हो रहा है, तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसके बाद ये लिखा था कि 4 से 5 दिन लगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, 4 से 5 दिन का मतलब हुआ कि अगर आज डेट है हमारी 9, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 12, 13, 14 में कभी भी डेट सीट हमारी आ सकती है। तो यानी कि आप अभी परेशान ना हो, अभी 3-4 दिन और लगेंगे, ठीक है। बच्चे बहुत कल कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था कल कमेंट ही कमेंट कर रहे जा रहे, सर डेट सीट कब आएगी डेट सीट, तो परेशान मत हो, आज और कल अभी डेट सीट नहीं आने वाली, क्योंकि 10th अक्टूबर पहले बोला गया था कि 10th अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि साफ साफ इसमें लिखा है 4 से 5 दिन लगेंगे। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 12 तक आ सकती है, ठीक है। वैसी जब भी आएगी तो मैं सबसे पहले आपको वैसी बता दूंगा, और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, पढ़ाई करते रहो, परेशान होने से वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, और जल्दी डेट शीट भी आ जाएगी। और अपने पढ़ाई पर तो जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे करते रहो, डेट शीट को थोड़ा साइड में रखो, नहीं तो अपने 2-3 दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आज दिन भर वीडियो नहीं देखने हैं, और जब दिन भर वीडियोस देखते जा रहे हो कोई CBSE डेट शीट का डाल रहा था, दिन भर चल रहा है वीडियो, मैंने अब सुबह सुबह बना दिया आपके लिए, अब आपको एक भी वीडियो नहीं देखना कि आज तो डेट शीट नहीं आ रही, ठीक है। चलिए मिलते हैं, इसी तब तक अपना ख्याल रखते हैं, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।